अरे जा खान गोई में खाने गोई के कॉल के निगौर आप ये निगौर कुछ निगौर आप क्या करो आप बना दोती पे साथ जाम मुझे ला रहा है कदो काम नहीं बुही यार तूने। बात जाना मो मुने भाई हाँ उनार पिसुंगा सुंगा वाला बात सुंगा वाला उलाए उलाओ ब्याह काम भैया बलुने भाई वो यहाँ उन्हें भाई हम वहाँ जाने भाई ने और समझे समझे बढ़ाए आ जानो गुड्डा गुड्डी मिलने को भगा रहे हाँ वो क्या उन्हें घोगा जंग दाल बढ़ोने भाई हैं एक वो उपयोल जो जो प्योल जो उन जो ये जंग बढ़ाए अच्छा काव भटा आंख लगाए हैं काव भटा आंख लगाए अच्छा वो समझे सामने उसी बढ़ोने भाई पहली बार जानो हाँ गुड्डा गुड्डी बड़ी बढ़ाई मिलना हो गुड्डा गुड्डी गुड बढ़े। हाँ बड़ी बढ़ाई मिलनी जानो जैसे दोस्तों शादी में आपने देखा होगा समधी समझण मतलब आदान प्रदान करने का रिवाज होता है, वहां भले बड़ी उन्न हो। तरफी हुई हाँ दो तरफी समझी समझी हूँ क्यों नहीं तावला पिशव समधी हूँ चाहूंगा पिछुआ है समझन हो तीले तीले। लेकिन आजकल तो प्लास्टिक की होते हैं दोनों तभी तो रिश्ते भी थोड़े बहुत प्लास्टिक जैसे हो गए हैं आजकल ना, एकदम से खराब हो जाते हैं। आप हाथल बड़ों से पहली बार आप आदल बढ़ो। हाथल बड़ी पीछे पीछे हाँ पीछे लबोट यों चावल पीछे लबोट तेल लबोट मनी यों पीछे मिला है चावल गुड़ बाघ हाग धरबे सब गुड़ ओ बढ़ाई ने समझे समझे थोड़े सिगरा लगे थी समझे थोड़े लगे थी बीड़ी हाँ समझे हाँ वहाँ बोले सोने भाई यहाँ बोले दो तक भी बढ़ी हूँ हाँ अरे जाना बीड़ी होशियार है गई हाँ अरे जरा बीड़ी ना तो समझे समझे को फोड़ो गए नहीं फोड़न अच्छा पहली पहली फोड़ दीने भाई अच्छा अकल नहीं भाई तू अच्छा फोड़ दीने भाई जानी इस बाप भाई हूँ अजान अजान ना तोड़ा ना वो पहले भी शिखा रखा ना ना। अजाना सब बड़ी लेखी भाई जा सब अंदाज भाई देखी सुनी भाई वो भाई हाँ देखी सुनी लेनी भाई ने हाँ अनजान में कोई फोड़ दीने भाई फिर भी मजाक बनो तो ना। यहाँ छोड़ने भाई हमने छोड़ दीने अच्छा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो समधी समधण है दोस्तों ये हंसी ठिठोली एक स्वांग करने का एक माध्यम भी होता था। जो नई नई बहू है उससे उसको फोड़ने को बोला जाता था। जो गांव वाले होते थे बोलते थे कि इसको फोड़, तो कई बारियां फोड़ देती थी उसको जिन्हें पता नहीं होता था क्योंकि वो समधी। विचार से नहीं बोल कभी अच्छा जानकारी से बोल गा विचार से नहीं बोल यस हाँ कभी उली ने भाई परीक्षा परीक्षा लेने गया। अजाना सब पढ़ी पढ़ाई है रे ओनी अचानक सासौर ने लेना परीक्षा अजाना सब सासौर ने परीक्षा लेनी हूँ बुआरी बुआरी लेनी को सासौर नहीं परीक्षा इधर कस कस बखत हो कोई देख नहीं कोई देख मैं मुड़ो आ गयो अजानू धिनाए भई लेको कोई नहीं ले जाना हाँ ये आठ ले जाने भाई लाई यार साग हाँ धिनाई ले जाने भाई हमारा हाँ भुपना ब्याह देना सुंगा बाथा हाँ आला उभल दूधा लोटी लाल हाँ ब्याह गिर जाए माला उभल दूधा लोटी लाल ब्याह बाद में छाबड़ है तो सानी माने फिर बेरा दूध ल तदु दूध जामे गई। दूध जाम हो गए किमत है भाने निभा भी नई उन्हें खिदे भी मिल फिर बता मतलब ये हमारे गांव में प्रथा थी पहले से और आज भी है कि जब भी आप किसी काम काज में कहीं जाते थे निमंत्रण में तो अपने साथ जो भी तुम्हारी दिनाली है कोई दूध ले जाता था कोई दही ले जाता था हरी सब्जी है ना। तो अम्मा बोल रही है कि ताऊ जी की शादी के दिन इतना दूध इकट्ठा हो गया था कि अम्मा ने उस दूध से छा बनाई थी। सोचो पहली बार तो तुम ऐसा दिनाए पान होने वे दिनाए पाप ने वे लियो नहीं ले भाई जान को ले जा रहा हो आ जाने दोहार के दोनों मर दोनों का समझ सही बात। लियो नहीं ले भाई जा सुहा बात हम आ रहा भल ले आल रहते ही भले ले आल चाह पार माला खर्च होने भय चाह बढ़ने भय ब्याह रात भर रहते ही होने भय हैं बिमडने भय रहते बगत ब्याह रात ब्याह गीत कमलाई भय तो गिटार अच्छा है गीत को भय तेरी सारी रहना बेवाई गुड़े दे गुड़े दे गुड़े दे जने बखत वालकोड़ा लुगी पालकोड़ा लुगी का गीत बिमटाणो गीत भय तो याद है तो का था गा दे याद है दिमाग ना आ गया अब क्या करूं दिमाग में ना होने दिमाग ना आना दिमाग ना आ गया थार बहुत दिमाग है वो थार तो बार लगा है बाहरी सुपरविजन में लगा है तेरी सारी रहना बेवाई आहा ए तेरी सारी रहना बेवाई ए गुड़ दे बहू रानी गुड़ दे वाह ए गुड़ गे सोहागीली गुड़ दे गुड़ देण बखर गोट पात गे छे अच्छा बिमटाणो गीत हो बखत हो हो हो
गुड़ देने बका वाला कोड़ा लोगी हाँ ये पाला। तो गीत होने भाई के पता नहीं अभी जा क्या गीत होने को कोड़ा जा भैर में देव लगे देव उमजी नाच है डीजे है जो न लो उमजी नाच यस यस उमजी कर ना गीत ना कर्म गाना गीत होनी चाहिए। ये गुड़ देना गीत कब खा देने भाई गुड़ रताई ब्याह रात ब्याह कभी। अच्छा जब रताई करते करते रताई कर भी रात जाना ठो हो गीत भी मटाना गीत लगाए और पिठा हिठा थो पिठा लगाए उनको डबल ले दी दारी ने का उनको पिठा लगाए गीत लगाए। सोचो कितना सुंदर माहौल होता होगा ना। अम्मा बोली कि पहले से रताली इतनी लंबी लंबी चलती थी सुबह हो जाती थी और सुबह के समय फिर गुड़ बांटा जाता था पिठा लगाया जाता था गिदारियों को है ना। अब इसका ठीक उल्टा हो रहा है आजकल पीते पीते सुबह हो जा रही है ना। लोग मतलब मौज मस्ती में पीने खाने में लड़ाई झगड़े में सुबह कर दे रहे हैं। उस समय कितना अच्छा माहौल होता होगा ना चाहे वो होलियों का हो शादियों का हो। हल्दवा देखो ना मेल कर्मा गीत के उड़ाए क्यों उन्हें जगदीश आते उड़ाए हुआ। अच्छा मेरे को आगरा जो गिराना खा नहीं चलो चलो हमारे पितर ना नाम उनको मालूम नहीं भाई पितर ना नाम नहीं भाई माथी लोग बड़ी पितरन कर नहीं होता पितर माथी लोग मर उन्हें भाई पितरन गले नहीं होता आ उन्हों नाम हम उनको न्यू नहीं भाई ठीक भाई लेकिन गीत शुद्ध गाओ तो सही बात। वो आरती के गाने रहे वो आरती गाने जगदीश आरती गणेश आरती ठगड़बाड़े ही भाई ठगड़बाड़े ही भाई ये नहीं भाई अब खाली एक मणि फोटो खींच जाए मणि वो जयमाला कर दी बस वी भाई कर्म कांड वी भाई सब जी ये तो है कतु गीत हूँ जी कर्मा न वो गाने वाले रह गए ना वो सुनने वाले रह गए हैं दोनों तरफ से हो गया पट्टे रो बर सांवरो ओ जैसे गाया मैं गजाधर सांवरो वैसे तेरो बेटी तेरो बर सांवरो। ते बरात कतु दिन में पूजी है दो दिन में वो बात बागेश्वर तले गाड़ी से बागेश्वर बेटी तरह कर उनाजे नहीं रोड जी वो। अच्छा और बागेश्वर बेटी कोटमिया था कोटमिया पर पैदल आई तो जो नाई तो पाओ जो ना सौ लागो बड़ गाड़ो बड़ बड़ी लागो बल वही याद है ना तो बात आओ पहले कौन सा लागो तो कहो दिन यार के लागो यहाँ बोली ना भाषा अजान बहुत बदल गई यहाँ समाज बदल गई भैर उठा चली गई यहाँ वही भ्यो भ्या यही भाषा है जो भ्या का बे क्या अंदाजा उन्हें नहीं मालूम समझ में उन्हें नहीं बोल हां बोल बोल भाषा में समझे एक दिन में हूं के को नहीं अमल के कोई अब धान को जो बोस ले यहां कौन कौन है भाई वहां बोस को नहीं भाई तो अंदर है कोई और के को नहीं वो लाधा गए आप मेरे को क्या करो क्या होना लो गोई में जाने की उठाड़ समझ में नहीं है क्या होना लो फिर पूछ मेरे को के लिया गो तुम उधर पर जो अरे कौन कौन गए अबे ठोल तौल हला कोने कोने भाई ठोल तौल बाहर पकड़ी तौल भाई ना ठोल उन्होंने कोने कोने और क्या वो धान ना जो चट्टर जो लगना वो हला तो कोने कोने क्या धान ना कोने कोने क्या कुन्नी 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 हां तो खेत में लगनी तो कुन्नी भाई हां 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 धो धो सी यहां भाषा भी ने मैं अंदाजो लगाई फिर पचिल पचिल सी गई जो जहाँ तेरा मैथ भाव मतलब बहुत बढ़िया बोली मानी जाने वे ने वहाँ बहुत तो बोल भी शुद्ध बोल भी शुद्ध बोल भी हाँ वहाँ हो लागन बोल भी हो लागन बोल भी हो लागन भाई यहाँ भो लागन बोल भी तो अंतर हो गए यहाँ भो लागन बोल भी यहाँ ये अंदाजा होने नहीं भाई तो सोचिए ये लगाने क्यों जीवने भाई बैली भाई अब कौन बनो रुआने पूरे भाई लोग ने भाव देखी नहीं भाई पचास ने भाव देखी नहीं भाई बड़ मुश्किल सी यार जाएगा विवाह ले तो दो कारबार कर दी ने अरे के नहीं करो सब चीज करो सब सीख फिर यहाँ भी बाम कोने भाई जैसा दे वैसा भेज कोने भाई ने धीरे धीरे सीख डाल सीख धीरे धीरे कोने भाई सीख यार बचिल फिर अब जब आप वारी कुनन की करो तो बुढ़िया तब थार नक लागने रहे भाई ने नक कौन सा चंदा है वो मैंने नक कौन है तू अब कारण से बरसो ना कारण से बरसो उल्ट बोलानी है सब कर यार के नहीं कर मजाक मजा है तो हंसना है ना हंसने वाली बात नहीं भाई
चार बड़ी आई, सात नानी घर बैठ आई, चिल भी भाई पांच काम करी लगे ले, आठ है गया, चार भी भाई चार बैठ आई, आठ है गया, ये चिल भी भाई नो नो एक दुश्मन नहीं मरनी दस हूं अभी मर आए जो मर गया कोई भी बाइक दो भी होनो बाइक दो मर गया शुक्र है कि अभी मैं से जान लेगो बे नहीं होना मैं कौन है बेवे देखा अपन चलन गए बेवे देखा निभाल सही बात है सही, सही बात पर मिला कौन बाबू चली सना जान अपन बाबू चली सही बात है नहीं निभाल काम कैसे भोनन का निभोनन कैसे समाज निभोनन कैसे भेरा ब्योलिन का निभोनन है कर भी देखा ले मैं आज इतनी बोल रहा देखूं पे ना देख ली तू देता पता मैं कौन तू है अपन ध्यान धरी कर तू आराम से कोई टेंशन नहीं ली कर तू इना देख हाल ली जब ने होने दो बे ब्याह होल होल ब्याह होल ब्याह होने दो ये बोल है जानो ने बोल पे बात खोल जान ये जो दगाड़ रोना ये कल देख हाल ली तू जब ओ दगाड़ रोना है जो दगाड़ रोना है तो तैगले हरनी जगह हरे ब्योल लोनी है तय सबसे पहली दगाड़ ही ने ना है देखी जल्दी देख कस कर ही फिर तब पत्ता सालन ने ना ना जब खेलो ना उमर हरे ना ना अबू हरे ही खेलू हे इन्हरी ना ना जब खेलो ना उमर हरे ही जा ब्याह ही होना ना ना जब जान दो है जान फिर क्या बागील तो तू का आपू अम्मा जब तू यहाँ मैं यहाँ आ ही जब ने तो का बहुत ही निश्वास लगन हो रहा है कि लेकिन अलग मुलुक है क्यों चली जीता है अलग हो ढूंग ढूंग देखी नहीं भाई यहाँ यों काव ढूंग ले यों ना काव ढूंग सबे ढूंग जी भाई काव ओ मैं आया जब वो मैं ना घागर होने पहले पागड़ होने बाजी तो जिंदा न कमर पर पागड़ हो बाजी से देखने भाई दोटा एने जा देखने भाई अब तिलता देखे नहीं भाई माँ भेज देखे नहीं भाई के समझे बोल भाषा बरान जो को तो सन तुम्हार में भेबण को अच्छा वो बरान जी वहाँ बरान जी नहीं भले कहीं दरियान का चार बोला नहीं वहाँ अच्छा जिमदार लोगों ने गले ने जैसे ये बामा नहीं होना दरियान दीदी बुली कर बुलानी उस जगह बुलानी वहाँ गर्मी में कर दो आप गर्मी में ही गर्मी में ठेका रोल उसी सब लोग आपको फैशन ला कर सकना ने माग में ठंडे हॉल ठंडन में तो देखनी अम्मा शेणी अतकट ब्लाउज में उतर उना उतर उने अभी उतरना ना आयो उतरिए भाई ठंड नहीं उन ले फैशन भयो न फैशन बाजार न हन फैशन आके यहां पे यहां तेरे नंगड़े वालों पिठिन पे तो वहां हॉल बिलो तो तैल तैली ओ हे भगवान दीपा भी आया मागा का मेहन बहुत दीपा हां दीपा भी माग में मागा में भव में चैन ने भव उदन और दियो सर में टेंट लगाई भव वो भरी हुआ पानी वो समान बेल थोड़ तो बैंक काम आ रही बेले यहाँ तले मेहंदी भेल गई तो वहां बैठी यहाँ तले जंगाड़ तले मेरा जंगाड़ तले गया लगा तो तो हजार में बुक भाई दी 35,000 रुपए तो 2,000 में होना रहो दी चोरी और यहाँ बैठी यहाँ तले सब मेहंदी भेल मेहंदी भाई ना वो तो क्या लगाई भाई वो चल गयो ना फैशन यार चलो हाथन जाने का ठीक है भाई ना हाथन ये तो जला भाई ठीक है भाई ये तो जला ठीक है भाई तो खोटन बढ़िया जंग आरंभ कर वो तो छोटा छोटा काम है तो जाने लो इधर पे जो ही भाई आगे ना इधर कौन है चीज़ पहली बार जी मेहंदी लगी जो जो तो ब्याह और ले बढ़िया ब्याह हो ची हाँ लोगों जी पहले मेहंदी जाने नहीं जी बड़ बाजूल ते की फर्स्ट जेवर की बना तुरा कुकरा गु तब राजने जा मेहताग भाई हूँ राजने जा मेहताग भाई क्यों नहीं जो कान्ना कनफूल कनफूल राजने इस मतलब जो हमारी चाची आई है पिथौरागढ़ वाली उनकी सास मेहताग दी भाई उनको उना जीवर गांव में पहली पहली कोई चीज जा गरीबी भाई मैदी में मैदी ने गेंद दिए पुल दिए नागा एक बगोई चांदी जान सुना हरे हम पहले बे उसे भाई से हम गड़ाई उसी भाई चांदी ऊंची ऊंची और खुटन में चैन ऊंची है अमृती तार अच्छा अमृती तार ओ भाई कितना पुराना शब्द है अमृती तार परीक्षा वाणी में पढ़ा होगा आपने हाँ देखा बातों बातों में निकल गया ये होता है बुजुर्गों के साथ बैठने का फायदा झर्रा ताल अच्छा जमा तुम पीछे धर्रा जाना बोल बीर
बताओ यार। उसे गई मैं तो जब भगर क्यों चिट्ठी उबा फोन फोन किए भाई ने बे चिट्ठी है तेरे बाजू वहाँ मैं मेर बाबू जो ना भाई वो इस बाबू जो ना भाई उनको क्यों वो क्या वैसा जीवन की बात है वो उनको तुम बोले ये फजल ये काना ना ये काना नहीं बड़ा सक मतलब कल तय मैं लगा ये अच्छा बड़वाजू का चिट्ठी भेज चिट्ठी भेज अच्छा क्यों उन्हें चिट्ठी आई भाई चिट्ठी में जवाब दी भाई अच्छा नकदी हालो बाला जानी हो ना पे डबल भेटन हो 400 रुपए मी आए गए फिर 400 रुपए में फिर तो बंदे लसी सुना रहे बकाने का भयो पवावे टी बड़े गावले गछोड़ी टी बुझी बैठे गलो बंद टाइम कपड़ों में इधर नर कपड़ों पट्टी होने काव रंग है पट्टी लाल काव हाँ हाँ मैं गछायो गावले लगा रहा ठीक भाव बहुत टीप और गलोबंद दो अलग अलग चीजें हैं। गलोबंद उमा का छाई नहीं भाई और कहीं चले में हां टीप है कपड़ा उमा तो गोड़ में का छाई नहीं ये लोग अंतर भी स्पष्ट कर दिया है। हां अच्छा फिर वो बनाए थे फिर वो बनाए टीप बड़ा कानन के नहीं भाई आप हां गो गॉड हैल कानन के नहीं कानन के नहीं भाई फिर पछे जब तो जो नंदन है गई थी भुवन सुरेश पजा बड़ा है तो मैं हूँ कांदा को कानपुर बारान भर थी अब यो बारान भर कहाँ रही लगा मतलब दो बच्चे होने के बाद अम्मा के लिए कनफूल बनाए बड़े बाजू ने। सोचो कितना पहले के जमाने में कितना त्याग था कितना अभाव था यार। सोचो ना उस समय की जिंदगी आजकल सब कुछ होते हुए भी नहीं खा दे रहे यार। और क्या जाने को सजे मंडप में मैथी अलग बढ़ूंगा ना स्वराशी अलग बढ़ूंगा वो सजे बेरे जोनी पहली पर्द लगे बे पैरों ने भाई जीजा जी और पर्द होने पर पहली गोठा ब्याह होने पर भैरव ब्याह कौन सी पर्द लगे बे कपड़े पैरों ने भाई बोल कर और क्यों नहीं जी और पैरों ने भाई खोलो बर्द बट बर्द मैं बर्द देखूं कौन है भाई बोल अजार बहुत है सजी सजाई हूँ सुंदर उल्लेख पहले देख लेना बरू आप सब फसल है भाई सब है जहाँ घुमाण फिरण मिलन जुलन सब है जाम में पहले तो कौन पे देखी जाती है ये ब्याह का वेट तो मैं देख सी ना मणि नहीं नहीं तू ले देख नहीं ना रंग इनार रंग देख नहीं ना रंग देख नहीं ना मणि रंग देख नहीं ना मणि ना रंग बेरंग देख नहीं मणि नहीं रहा पे हैजल हैजल कहाँ हो रहा है इधर कती बार नॉल गाय लूँ पे ची नॉल गाय वेला हॉल पूछ पड़े ना तो मैं ब्याह जाऊँ ब्यूटी के पैर जी हरे में पलाओ का पहली का ऊपर सी अजानो गुहानी लहंगा का वो सब गुलर पड़े लो न्यू भी बना वो फल फल रहता है वो गदर मदर जब तो भाव लगे लो न्यू ऊपर एक दिनों का मौका एक दिनों को यार मैं 50-50 हज़ार लहंगा ले देना यार क्या पहनो भाई वो मगर क्या कोने ना होने यार सुंदर साइड बैर पेटी बोर्ड बैर साइड बैर भी भैर बैर रंगाई पिसाओ का तो भाल देखी नहीं बेली रंगाई पिसाओ बैर वो गुहानी वो लहंगा अगला लहंगा हाँ आगे वो लहंगा देखी मगर गीला तो चल गया ना शांति रो लहंगा कि भलो छाजी रो अरे अरे वो क्या फोन है यार वो लेंसा क्यों कहा लेंसा 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 ए है लांचा 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 लेंसा जो कौन मार अरे जानू चलो आज चल आप सभा खत्म कर लो लोकसभा खत्म कर लो लोकसभा। तो दोस्तों आमा के साथ बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा और ऐसी तो बातों बातों पर कई चीजें पता चलती हैं दोस्तों। तो आप सभी से मैं भी ये कहूँगा कि भाई ये जो हमारे बुजुर्ग हैं हमारे आमा बबू है ना ये एसेट है हमारे लिए एक मतलब बहुत ही कीमती धरोहर है ठीक है।
तो जब तक इनका प्राण है इनको सहेज के रखो, इनकी खुशामत करो, इनकी टेक मतलब क्या बोलते हैं वो, देखभाल करो, है ना। तो और इनसे उनकी ज़िंदगी के अनुभव लो, पुरानी बातें है ना, पुराने रीति रिवाज, कैसे जो इन्होंने ज़िंदगी काटी उसका अनुभव लो, तो आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत सुकून और शांति का एहसास होता है। बाकी आपको अम्मा का इंटरव्यू कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ठोक देना, प्यारे प्यारे कमेंट छोड़ देना हमारी अम्मा के लिए। बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।